बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं। आम चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र की सियासत पहले ही गर्म है। एक और एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी, शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत पवार गुट है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल तीन दलों यानी कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार गुट और शिवसेना के उद्धव गुट का महाअघाड़ी गठबंधन है। दोनों ही गठबंधनों के घटक पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। याद रखिए, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। इस बीच सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन ने इन तीनों ही दलों की आज दिल्ली में कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक के निवास पर बैठक हुई। बैठक में शिवसेना उद्धव गुट की ओर से संजय राउत, एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से जितेंद्र आव्हाड और कांग्रेस की ओर से वर्षा गायकवाड़, नाना पटोले, बाला साहब थोराट और अशोक चव्हाण शामिल हुए। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की हर सीट पर चर्चा हुई है और सभी दल एकजुट हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी भी उनके गठबंधन का ही हिस्सा है। ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है सीट शेयरिंग में, सभी सीट पर 1-to-1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए कितने सीटों पर, कितने वो आंकड़ा बाद में आ जाएगा, आंकड़े बाद में लगाएंगे हम। देखिए, आज 3 घंटे की मीटिंग हुआ है, मीटिंग बड़ा सक्सेसफुल रहे। हमारे महाअघाड़ी के सारे नेतागण मौजूद थे, हम सीट शेयरिंग के बारे में डिस्कशन किया। आने वाले दिनों में आपको पूरा सूची हम लोग प्रकाशित करेंगे। गठबंधन में सारे पार्टी एक है, सारे पार्टी समान है। इसमें एनसीपी को और शिवसेना को टुकड़े करने के लिए बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन जनता, कार्यकर्ता उनके साथ है, एनसीपी और शिवसेना के साथ है। जो पावर के पीछे जो लोग गया हैं उनको सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं। मेरे ख्याल से हम महाअघाड़ी एक साथ लड़ेंगे और सबसे ज्यादा सीट हम लोग पाएंगे।